أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाला हफ्ता तमाम जोड़ी सन वालों के लिए कैसा रहेगा, उनकी शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी, घरेलू मामलात कैसे रहेंगे, वो अगर कारोबार करते हैं तो कारोबारी मामलात कैसे रहेंगे, माली लिहाज से ये हफ्ता कैसा रहेगा और करियर के हवाले से ये हफ्ता उनके लिए कैसा रहेगा, अगर वो स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स के मामलात कैसे रहेंगे और इस दौरान उनकी सेहत कैसी रहेगी। और दोस्तों, हफ्ते के शुरू में इस साल का पहला चांद ग्रहण भी है, तो चांद ग्रहण के असरात तमाम जोड़ी सहन वालों पर कैसे रहेंगे, ये भी हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और कहीं से भी स्किप नहीं कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है अभी हमारे चैनल दीन और अखलास को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, इससे आपको हमारी हर नई और आने वाली मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं सबसे पहले बुर्ज हमल यानी कि एरीज के बारे में। तो बुर्ज हमल वालों, इस हफ्ते के शुरू में आपकी तवज्जो आपकी औलाद की तरफ बहुत ज़्यादा रहेगी, आप उनके बारे में बहुत फिक्रमंद रहेंगे, उनके साथ काफ़ी टाइम गुजारेंगे और इसके अलावा उनके तालीम व तरबियत की तरफ भी आप बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। और इस हफ्ते का शुरू आपकी इल्मी तशनगी को पूरा करने का आपको पूरा मौका मिलेगा। ऐसे बुर्ज हमल वाले जो कि कारोबार करते हैं तो इस दौरान कारोबार के हवाले से भी उनके लिए अच्छी खबरें, उनको कारोबार में प्रॉफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपकी मुलाकात इस दौरान आपके अपने ही शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोगों से भी हो सकती है। अगर हम बात करें हफ्ते के दरमियान की, तो हफ्ते के मिड में आपकी सेहत थोड़ी बहुत खराब हो सकती है, चांद ग्रहण के असरात आपकी सेहत पर पड़ेंगे जिसकी वजह से आपकी तबीयत में सुस्ती, कहरी और बेचैनी पैदा होती हुई नजर आ रही है। और हफ्ते के मिड में आपके खर्चे भी काफी बढ़ जाएंगे, हो सकता है कि आपकी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिसप्लेस भी हो जाए जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान रहेंगे। अगर हम बात करें हफ्ते के आखिर में, तो हफ्ते के आखिर में आपके मामलात काफ़ी बेहतर होती हुई नज़र आ रहे हैं, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी काफ़ी बेहतर हो जाएगी, आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे, आपकी जो अनबन चल रही थी वो आप दूर हो जाएगी और आपके मामलात अच्छे हो जाएंगे। और ऐसे बुर्ज हमल वाले जो कि गैर शादीशुदा हैं, उनकी बातचीत भी शुरू हो सकती है, उनकी शादी की बातचीत भी शुरू हो सकती है। और हफ्ते के आखिर में आप खरीदारी भी करते हुए नजर आ रहे हैं और सैर व तफरी भी करेंगे और इस दौरान आप आउटिंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं, कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो हफ्ते के आखिर आपके लिए बेस्ट टाइम है। आप इंशाल्लाह ताला इस दौरान कोई भी कारोबार शुरू करेंगे, कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला उसमें से उससे आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो बुर्ज हमल वालों, हालात की मजीद बेहतरी के लिए आपको चाहिए कि आप अल्लाह पाक का सिफाती नाम या अल्लाहू या वकीलू रोज़ाना 66 मरतबा पढ़ें और अबुल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें तो आपके लिए बेहतर है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके हालात में, आपके मामलात में बेहतरी फरमा देंगे। और आपका इस हफ्ते का सदका है किसी भी पीले रंग की चीज़ का, कोशिश करें कि कोई भी पीले रंग की चीज़ अल्लाह ताला की राह में सदका खैरात करें। और किसी भी रमजान मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है, इस महीने आप जितने भी अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक मजबूत रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके मामलात में बेहतरी फरमा देंगे। तो बुर्ज हमल वालों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगला जोड़ी साइन है वह है बुर्ज सौर यानी कि टॉरस। हफ्ते के शुरू में आपकी घरेलू जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी और आप घर के कामों में दिलचस्पी लेते हुए नजर आ रहे हैं और आपके घर के कोई इतने मसाइल चल रहे थे तो इस दौरान आप उसमें भी काफ़ी टाइम स्पेंड करेंगे और इस दौरान आप घर की तजीन और आराइश भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान आपके घर में मेहमान भी आ सकते हैं और इस हफ्ते आप अपनी वालदा के साथ राज व न्याज की बातें भी करेंगे, उनके साथ अपने मामलात शेयर करेंगे और आप पास्ट में जिन चीज़ों पर मेहनत कर रहे थे, जो प्लानिंग्स कर रहे थे, इंशाल्लाह ताला आपको उससे फ़ायदा मिलेगा। और इस हफ्ते के शुरू में चांद ग्रहण भी है तो चांद ग्रहण की वजह से आपके मामलात बेहतर हो जाएंगे। बात करें हफ्ते के दरमियान की, तो हफ्ते के दरमियान में चांद ग्रहण की वजह से आपकी तबीयत कुछ ख़राब हो सकती है, इस दौरान आपको पेट का दर्द भी हो सकता है, ख़ासतौर पर ऐसी खवातीन जो कि प्रेगनेंट हैं तो उनको इस दौरान बहुत एहतियात की ज़रूरत है। हफ्ते के दरमियान में आपकी तबीयत में बेचैनी रहेगी
इस हफ्ते आपकी मुलाकात आपके अपने ही शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोगों से भी हो सकती है और इस दौरान आपके घर में मेहमानों की आमदरफ भी हो सकती है। और ऐसे बुर्जे शोर वाले जो कि कोई कारोबार करते हैं तो इस दौरान उनके कारोबार से भी उनको प्रॉफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस दौरान आपके दोस्तों के साथ भी इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं और इस दौरान आप किसी गैर जरूरी तकरीबात में भी शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। कोशिश करें कि गैर जरूरी तकरीबात में शिरकत करने से अवॉइड करें वरना आपकी सेहत भी ख़राब हो सकती है। आपकी कोई छोटी मोटी बीमारी आपकी बड़ी बीमारी में कन्वर्ट हो सकती है। ऐसे बुर्जे सौर वाले जो कि कारोबार करते हैं तो इस दौरान उनके कारोबार में सुस्त रवि रहेगी, उनको नुकसान का अंदेशा है। उनकी इस दौरान सेहत ख़राब हो सकती है, ख़ास तौर पर उनको सर दर्द की परेशानी हो सकती है। अगर हम बात करें हफ्ते के आखिर में तो हफ्ते के आखिर में भी इस दौरान भी आपकी सेहत ख़राब रहेगी। इस दौरान आपके घर में बिन बुलाए मेहमान भी आ सकते हैं और इस दौरान आपके खर्चे भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हो सकता है कि आपको कोई करीबी, हो सकता है कि आपको कोई दोस्त आपसे कोई माली रकम तलब करे। बुर्जे सौर वालों, हालात की मजीद बेहतरी के लिए आपको चाहिए कि आप अल्लाह पाक का सिफाती नाम या अल्लाह या हुकुम रोज़ाना 68 मरतबा पढ़ें और अबुल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। इंशाअल्लाह ताला आपके हालात में, आपके मामलात में अल्लाह पाक बेहतरी फरमाएंगे। और आपका इस हफ्ते का सदका है सुर्ख रंग की चीज़ का। तो मुझे सौर वालों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगला जोडिक साइन है वो है बुर्ज जौहरा यानी कि जेमिनाई। तो बुर्ज जौहरा वालों, इस हफ्ते के शुरू में आप काफ़ी मसरूफ रहेंगे और इस हफ्ते आप काफ़ी थकावट का शिकार रहेंगे और इस हफ्ते आपकी नींद भी पूरी नहीं होगी। आपकी तबीयत में बेचैनी और चिड़चिड़ापन पैदा होगा और इस दौरान आपके मामला आपके बहन भाइयों के साथ भी ख़राब होने का अंदेशा है। मगर आपकी कोशिश रहेगी कि आप दूसरों के काम आएँ और इस दौरान आप अपनी जिम्मेदारी एहसन तरीके से निभाते हुए नजर आ रहे हैं। बुर्ज जौहरा वालों, इस दौरान सूरज ग्रहण की वजह से आपके फैमिली मामलात में कुछ उतार चढ़ाव रहेगा, आपके मामलात कुछ ख़राब हो सकते हैं। इस दौरान कोशिश करें कि अपनी वालदा की सेहत का खास ख्याल रखें और हफ्ते के बिड में आपके कारोबारी मामलात में कुछ उतार चढ़ाव रहेगा, कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं। और ऐसे बुर्ज जौहरा वाले जो कि कारोबार की तलाश में हैं, जो कि नौकरी की तलाश में, उनको भी इस दौरान बहुत एहतियात की ज़रूरत है। उनको भी जॉब ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और जब बुर्ज जौहरा वाले ऑलरेडी जॉब करते हैं, जॉब के हवाले से भी उनके लिए मुश्किल पैदा हो सकती हैं। अगर हम बात करें हफ्ते के आखिर की, तो हफ्ते के आखिर में आपके मामलात में बहुत बेहतरी आ जाएगी। इस दौरान आपके अंदर मोहब्बत का उनसर पैदा हो जाएगा कि मोहब्बत के मामलात इस दौरान काफ़ी अच्छे रहेंगे। हफ्ते के आखिर में आपकी कोई देरनुमा ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है जिसके बारे में आप काफ़ी अरसे से सोचा करते थे। इंशाअल्लाह ताला इस दौरान वो आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है जिसकी वजह से आप काफ़ी अच्छे मूड में रहेंगे और हफ्ते के आखिर में लिहाज से आप बहुत खुशहाल रहेंगे। इस दौरान आप किसी रूहानी महफिल में शिरकत करते हुए भी नजर आ रहे हैं और इस दौरान आप बच्चों की सेहत पर भी तवज्जो देंगे, उनकी तालीम पर भी तवज्जो देंगे। इस दौरान आप बच्चों के मामलात में इंटरेस्ट लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो बुर्ज जौहरा वालों, हालात की मजीद बेहतरी के लिए आपको चाहिए कि आप अल्लाह पाक का सिफाती नाम या अल्लाह या बासितु रोज़ाना 72 मरतबा पढ़ें, अबुल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, आपके लिए बहुत बेहतर है। अल्लाह पाक आपके हालात में, आपके मामलात में बेहतरी फरमाएंगे। और आपका इस हफ्ते का सदका है किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का। कोशिश करें कि कोई भी सफ़ेद रंग की चीज़ अल्लाह ताला की राह में सदका और खैरात करें। और वैसे भी रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है। इस महीने आप जितना भी जिक्र असकार करेंगे, इस महीने आप जितना भी सदका और खैरात करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके हालात में बेहतरी फरमाएंगे। तो बुर्ज जौहरा वालों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगला जोडिक साइन है वो है बुर्ज सरतान यानी कि कैंसर। तो बुर्ज सरतान वालों, इस दौरान आप अपने रिश्तेदारों से मुलाकातें करते हुए नजर आ रहे हैं और इस दौरान आप काफ़ी खुश खुराक रहेंगे। हो सकता है कि आपको इस हफ्ते आपके रिश्तेदारों की तरफ से कोई सपोर्ट मिल जाए, आपके ससुराल वालों की तरफ से भी आपके लिए बेहतरी के असरात नजर आ रहे हैं और इस दौरान आपका सफ़र भी खुशगवार रहेगा।
और इस दौरान आपके पुराने दोस्तों के साथ भी आपकी दोबारा से दोस्ती हो सकती है, जो आपसे बिछड़े हुए थे, जिनसे आपकी मुलाकात नहीं हो रही थी, लेकिन इस दौरान मिड में आपकी उनसे मुलाकातें भी हो सकती हैं। और इस दौरान आपका सफ़र भी खुशगवार रहेगा और पुराने दोस्तों के साथ आपका अचानक से रابطہ बहाल हो सकता है। हफ्ते के शुरू में आप काफ़ी मसरूफ़ रहेंगे और हफ्ते के शुरू में तो सूरज ग्रहण भी है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ नज़र आएंगे और आपकी नींद पूरी न होना आपकी सेहत को ख़राब कर सकता है। बेचैनी, जो कि आपकी नेचर का ही हिस्सा है, आप पर गालिब होती हुई दिखाई देती है। इस दौरान आपकी आपके बहन भाइयों के साथ, आपके दोस्तों के साथ कोई तलख कलामी भी हो सकती है और आपके पड़ोसियों के साथ भी आपके ताल्लुकात कुछ ख़राब हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि इस दौरान अपनी तबीयत के अंदर नरमी लेके आएँ और मुस्तकिल मिजाजी लेकर आएँ तो आपके लिए बेहतर है। अगर आप कोई बिरणमूर सफ़र करना चाह रहे थे, आपके सफ़र में ताखिर हो सकती है। बता हफ्ते के आखिर में आप अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजारेंगे, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। हफ्ते के आखिर में हो सकता है कि आप अपने किसी करीबी को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेके जाएं। लिहाजा आपको चाहिए कि आप अपने मामलात को तहम्मुल मिजाजी के साथ हल करने की कोशिश करें और अपने अंदर मुस्तकिल मिजाजी लेके आएँ तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो बुर्ज सरतान वालों, हालात की मज़ीद बेहतरी के लिए आपको चाहिए कि आप अल्लाह पाक का सिफाती नाम या अल्लाह या जलीलू और अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके हालात में, आपके मामलात में बेहतरी फरमा देंगे। और वैसे भी रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है, तो इस महीने कोशिश करें कि जितना अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करेंगे, जितना जिक्र असकार करेंगे तो आपके लिए बेहतर है। और आपका इस हफ्ते का सदका है किसी भी हरी रंग की चीज़ का, कोशिश करें कि कोई भी हरी रंग की चीज़ अल्लाह ताला की राह में सदका करें तो आपके लिए बेहतर है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके हालात में, आपके मामलात में बेहतरी फरमाएंगे। तो बुर्ज सरतान वालों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बात करते हैं बुर्ज असद के बारे में। तो बुर्ज असद वालों, हफ्ते के शुरू में आप काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपके अंदर बुर्दबारी और आप बुर्दबारी का मुजाहरा करेंगे। आप लोगों की खिदमत भी करते हुए नजर आ रहे, लोगों का एहसास करेंगे और इस दौरान आपकी शख्सियत में निखार पैदा होगा और आपकी शख्सियत में सहरंगेजी पैदा होगी। और इस दौरान आप अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों की खिदमत भी करते हुए नजर आ रहे, उनके काम करते हुए नजर आ रहे और उनके साथ अपने मामलात में मुशावरत भी करेंगे। हफ्ते का शुरू आपके लिए बहुत अच्छा है, आप अपने अंदर एक खूबसूरती फील करेंगे, एक आपकी शख्सियत में निखार पैदा होगा। लिहाजा और अगर आप कोई भी कारोबार शुरू करना चाहते हैं या कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अगर आप हफ्ते के शुरू में करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इस दौरान आपके इज़दवाजी ताल्लुक भी काफ़ी अच्छे रहेंगे, आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके ताल्लुक काफ़ी अच्छे रहेंगे। और इसके अलावा आप अपने घर के लिए खरीदारी भी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही चांद ग्रहण होगा, चांद ग्रहण के बाद आपके मामलात में कुछ खराबी पैदा हो सकती है, आपके घरेलू ताल्लुकात में कुछ उतार चढ़ाव पैदा हो सकता है। इस दौरान आपसे कुछ गलतियां सरजद हो सकती हैं, हो सकता है कि आप अपनों की दिल आजारी कर बैठें। जो भी बात करें, जो भी अल्फाज इस्तेमाल करें, बहुत सोच समझ कर करें और इस दौरान अपने खर्चों पर भी कंट्रोल रखें। हफ्ते का जैसे ही मिड शुरू होगा तो आपके मामलात काफ़ी ख़राब हो सकते हैं और आपके रिश्तेदारों के साथ, खास तौर पर ससुराल वालों के साथ आपके मामलात कुछ ख़राब हो सकते हैं। आपके विरासती मामलात में भी कुछ प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। हफ्ते के आखिर में आपकी इंशाअल्लाह मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन जैसे ही आपकी मुश्किलात ख़त्म होंगी साथ साथ आपके खर्चे भी बढ़ जाएंगे, इसकी वजह से आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है और आपके खाने पीने का जो शेड्यूल है वो भी काफ़ी डिस्टर्ब हो सकता है और हो सकता है कि आपके बुज़ुर्गों के साथ भी आपके मामलात कुछ ख़राब हो जाएँ। लिहाजा जो भी बात करें अदब में रहकर करें, सोच समझ कर करें और बुज़ुर्गों का एहतराम करें तो आपके लिए बेहतर है। आपके कुछ माजी के किए गए फैसले आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। तो बुर्ज असद वालों, हालात की मज़ीद बेहतरी के लिए आपको चाहिए कि आप अल्लाह पाक का सिफाती नाम या अल्लाह या हकीम रोज़ाना 78 मरतबा पढ़ें और अब्बुल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें तो इंशाल्लाह ताला आपके हालात मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। और आपका इस हफ्ते का सदका है किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का और चांद ग्रहण के असरात से इंशाअल्लाह ताला आप महफूज रहेंगे। तो बुर्ज असद वालों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक
आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगला जोडिक साइन है वो है बुर्ज शिमला यानी कि विरगो। तो बुर्ज शिमला वालों, हफ्ते का शुरू आपके एक्सपेंसेस के हवाले से अच्छा नहीं है, क्योंकि इस दौरान आपके खर्चे काफ़ी बढ़ जाएंगे। लेकिन हैरान कन तौर पर आप अपने कर्जे भी उतारते हुए नजर आ रहे हैं। आपको कुदरती तौर पर कहीं से सपोर्ट मिलेगी जिसकी वजह से आप अपने कर्जे उतार सकेंगे, और इस दौरान आप तन्हाई का भी शिकार रहेंगे। लेकिन आपके साथ कोई धोखादही भी हो सकती है, और आपके ही बुर्ज में लगने वाला ग्रहण आपके लिए परेशानी पैदा कर सकता है, जिसकी वजह से आपकी कोई सेहत भी खराब हो सकती है। इस दौरान आपके जिस्म में खासतौर पर कंधों में दर्द हो सकता है, सर में दर्द भी हो सकता है, और आपको कोई बॉडी इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो आपको खास तौर पर इस दौरान जितना हो सके सदका खैरात करें तो आपके लिए बेहतर है। रमजान मुबारक का बरकत महीना चल रहा है, इस महीने जितना ज़्यादा सदका खैरात करेंगे तो इंशाअल्लाह पाक आपके मामलात में बेहतरी फरमाएंगे, और इस दौरान आपके कारोबारी मामलात में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और इसके अलावा आपके ज़ाती मामलात में घरेलू मामलात में भी कुछ परेशानी आ सकती हैं। हफ्ते का मिड आपके लिए कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा, हर लिहाज से, कारोबारी लिहाज से और घरेलू मामलात के हवाले से और जॉब के हवाले से भी। लिहाजा जितना ज़्यादा आप इस दौरान सदका और खैरात करेंगे तो अल्लाह पाक आपके हालात में बेहतरी फरमाएंगे। कोशिश करें कि आप अपने मामलात को हफ्ते के आखिर में डाल दें, क्योंकि हफ्ते का आखिर आपके लिए इन तमाम मामलात में बेहतरी नज़र आ रही है। जो भी काम शुरू करें, नया कारोबार शुरू करें, वो हफ्ते के आखिर में रखें तो आपके लिए बेहतर है। हफ्ते के आखिर में आपके माली मामलात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे, आप फाइनेंशियली तौर पर काफ़ी स्ट्रांग हो सकते हैं। हफ्ते के आखिर में आपके घरेलू मामलात भी बेहतर हो जाएंगे, और दोस्तों की तरफ से भी आपको सपोर्ट मिलेगी। लिहाजा हफ्ते का आखिर हर हवाले से आपके लिए बेहतर है। तो बुर्ज शिमला वालों, हालात की मजीद बेहतरी के लिए आपको चाहिए कि आप अल्लाह पाक का सिफाती नाम या अल्लाहु या हसीबू रोज़ाना 80 मरतबा पढ़ें, और रब्बुल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके हालात में बेहतरी फरमा देंगे और आप चांद ग्रहण के असरात से महफूज रहेंगे। और इस हफ्ते का आपको जो सदका है वो है पीले रंग की चीज़ का। कोशिश करें कि कोई भी पीले रंग की चीज़ अल्लाह ताला की राह में सदका कर दें तो आपके लिए बेहतर है। तो बुर्ज शिमला वालों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें, और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करें, ताकि वो भी अपने बुर्ज के बारे में जान सकें। और दोस्तों, अगर आप हमसे किसी बुर्ज के हवाले से जानना चाहते हैं या अगर आप अपने नाम के पहले हर्फ के मुतालिक जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और आपको होने वाले चांद ग्रहण के असरात से महफूज फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज़।